इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जिला स्तरीय प्रोग्रामों के मद्देनजर शनिवार को पंचकुला जिला के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 35.7 बुक पहुंच गई है। आज वहां जहां सरकार की नीतियों से देश के किसान बेहाल हैं, वहीं सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया सौतेला है, जिसमें किसानों में व्याप्त ब्रोशर और आने वाले समय में प्रदेश की जनता जज्बा और भाजपा गठबंधन की सरकार को सत्ता निकालने का काम करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। मैंने जो कहा है वो सारे विचार से आप, इसके अलावा कोई ऐसी बात रहेगी हो तीसरे मोर्चे का गठन करने का जारी है, आप कोशिश कर रहे हैं तो कब तक तैयारी है? 25 तारीख को कुछ, 25 सितंबर को कुछ देखने को मिलेगा, इसके लिए नया कोई घोषणा हो सकती है क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द तीसरे मोर्चे का गठन। समान विचारधारा के लोग जींद की उस सभा में आएंगे, हो सकता है वहाँ विचार विमर्श करके। सरकार इलाहाबाद चुनाव से भागती दिख रही है, तो कैसे क्यों भागती दिख रही है? इन्हें लोग बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैंने बताया ही, चुनाव से सरकार डरी हुई है इसलिए भागती है। आरजीपी के साथ गठबंधन किया गया है, किस तरह से देखते हो आरजीपी और इनेलो दोनों मिलकर आने वाले चुनावों में एक साथ लड़ेगी, कितना मजबूती दोनों पार्टियों को मिल जाएगा? आरजीपी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय जनता पार्टी को मिली है। दोनों पार्टियां आगे चुनाव में समान विचारधारा के लोग इकट्ठे होंगे, उसके शुभ परिणाम। थैंक यू।